राशि लिखी है वो तो आएगी, तो फिर घबराने वाली क्या बात है। मौत से घबराने की बजाय हमें चाहिए कि मौत के लिए तैयारी करें, मौत के लिए वो अमल करें कि जब कल हमें मौत आए तो हमें अल्लाह के सामने जाके शर्मिंदा ना होना पड़े। बस सबसे अहम बात यह है, मौत आ जाए, मौत मुझे नहीं मालूम कि मुझे ये अपनी बात पूरी करने का मौका भी अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है या नहीं, और यकीन जाने एक नहीं दो दो वाक्यात तो एक बिल्कुल हमारे करीबी शख्स और एक करीबी नहीं लेकिन उसके एक क्लिप में मैंने देखा है। एक साहब पिछले दिनों जुमे का खुतबा दे रहे हैं और जुमे के खुतबे के दौरान ही हार्ट अटैक हुआ, गिरे, फौत हो गए, मिंबर पर गिरे। और अभी पिछले दिनों मैं एक क्लिप देख रहा था, वो किसी अरब मुल्क का है, ये जो मिंबर से मिंबर पर गिरे और फौत हुए, ये हमारे पाक हिंद के लोगों में से, पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले थे और ये हमारे इस इलाके का वाकया है। और ये जो अरबी हैं वो किसी बहुत बड़ी पार्टी में हैं, बहुत सारे लोग दाएं बाएं दूर दूर तक सोफों पर बैठे हुए हैं और ये हाथ में माइक लेके गुफ्तगू कर रहे हैं, वाज़ो नसीहत कर रहे हैं। और वाज़ो नसीहत के दौरान वो जो उनका एंड हो रहा है, यहाँ माइक्रोफोन है और ये माइक्रोफोन बात करते करते ऐसे गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। किसी की मौत कब आनी है कोई नहीं जानता, लेकिन मौत से घबराने की बजाय हमें चाहिए कि मौत के लिए तैयारी करें, ताकि हमारा पहली बात ये कि हमारा खात्मा बिलखैर हो जाए। ये दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाहुम्मा अहसन खात्मतना, ऐ अल्लाह हमारा खात्मा अच्छा करना। अच्छा खात्मा भी बंदे की आखिरत में इंशाल्लाह कामयाबी की एक अलामत होती है और अच्छे खात्मे की भी अलामतें हैं। और अच्छा खात्मा कैसे होगा उसके लिए कुछ काम हैं, कुछ चीज़ें हैं। और सही बात यह है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल आमालु बिल खवातीम, जो इन्नम अल आमालु बिल खवातीम, जो काम हैं वो या बंदे के आमाल जो हैं वो खात्मे पे जाके देखे जाएंगे कि बंदे का खात्मा किन आमाल पर होता है। सही बुखारी में ये अल्फाज है। छोटी सी मिसाल है कि एक तालिब इल्म है, सारा साल उसने बड़ी मेहनत की, शबो रोज जब जब वक्त मिला अपनी निसाबी किताबें जो हैं वो पढ़ता है, खेल कूद में बहुत कम दिल लगाता है, किताबों में ज़्यादा उसका दिल लगा हुआ है, पढ़ता रहा और जब सालाना इम्तिहान का वक्त आया तो वो इम्तिहान सही तौर से नहीं दे सका, जिसके नतीजे में फेल हो गया। अब इसकी ज़िंदगी भर की मेहनत का कोई अच्छा नतीजा निकला? नहीं निकला। एक दूसरा है, वो खेलता भी है, कुछ पढ़ भी लेता है, कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन इम्तिहान के वक्त उसने, यानी इम्तिहान से करीब जाके पहले पहले कुछ ऐसी तैयारी कर ली कि रिजल्ट में वो पास हो गया। अब ये देखा जाएगा कि रिजल्ट क्या है, और रिजल्ट के लिए स्कूल के इम्तिहान का तो ये है कि साल का वक्त मुकर्रर है कि वो इम्तिहान कब होने वाला है, जबकि हमारे इस आखिरत के बारे में, हमारी जिंदगी के बारे में कि हम किस वक्त अच्छा अमल करें तो उस पर हमारा खात्मा हो जाएगा, तो अल्लाह के यहाँ हम कामयाब हो जाएंगे, हमें तो इस बात का पता ही नहीं किस वक्त मौत आ जानी है। ये तो एक गाड़ी है, ये इंसानी ज़िंदगी एक ट्रेन की तरह है, मुल्क के शमाल से ट्रेन शुरू होती है और जनूब तक जाके पहुँचती है। कोई 10 किलोमीटर के स्टेशन पे उतर रहा है, कोई 50 के उतर रहा है, कोई 100 के उतर रहा है, कोई हमारे 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर वाले आखिरी स्टेशन, जैसे हमारे पाकिस्तान में कराची है, आखिरी स्टेशन है, वहाँ जाकर सबको उतर ही जाना है, अब ट्रेन में कोई नहीं रहेगा। उसी तरह कोई बचपन में फौत हो रहा है, कोई बड़ा होकर लड़कमन फौत हो रहा है, कोई जवानी में फौत हो रहा है, कोई बुढ़ापे में, जाएंगे सब इस ट्रेन में,
इस दुनिया में किसी को करार नहीं है, यहाँ किसी का भी कोई ईंट नहीं लगा के आया हुआ कि मैं बस यहाँ रहूँगा। हमें तैयारी करनी चाहिए कि हमारा इख्तिताम अच्छा हो, और उसके लिए हमें चाहिए कि कोशिश करें, हर वो काम करें जिससे हमारा जो हमारा रिजल्ट है, हमारा एंड है, वो अच्छा हो जाए। और उसके लिए बाज उमूर हैं, मिसाल के तौर पर उसने खात्मा कैसे होगा, हमारा ईमान और अकीदा सही होना चाहिए। ईमान के बारे में मैंने पहले बात की है, ये बड़ा एक लंबा मुस्तकिल मौजू है कि हमारा ईमान तो है, ईमान के छह ही अरकान हम मानते हैं, लेकिन उनका मानना क्या है, मानने से मतलूब क्या है, ये नहीं जानते। लिहाजा ऐसा नहीं होगा, अगर ईमान सही है, दिल में जागुजी हो चुका है, जगह पकड़ चुका है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर कोई सही ईमान व अकीदे का मालिक आदमी है तो सही बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह कद हर्रमा अलन्नार मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह यबतगी बिदालिका वजहल्लाह, अल्लाह ने उस बंदे को जहन्नम पर हराम कर रखा है जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, यब तगी बिदालिका वजहल्लाह, इससे उसकी मुराद अल्लाह की रजा हो, कोई दुनियावी लालच ना हो, किसी का दुनियावी खौफ ना हो, सिर्फ अल्लाह के लिए वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले दिलो जान से, और फिर उसके तकाजों पर अमल करे। हम ला इलाहा पढ़ लेते हैं और जो उसके तकाजे हैं वो नहीं पूरे करते। हमारे एक पंजाबी शायर ने कहा है, जबानी ला इलाहा कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इसके मानों पर, इसके तकाजों पर अमल करना वो बहुत मुश्किल है। ईमान अकीदा सही हो, पहली बात, नेक अमल करने की कोशिश करता रहे, जो जो भी नेक अमल वो समझता है उसके बस में है वो कर गुजरे। सलफ सालिहीन उम्मत में से बाज़ ऐसे लोग हैं, बाज़ ऐसे लोग गुजरे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इस कदर अमल के आला मेयार पर होते थे कि अगर उन्हें कहा जाए, यानी आज भी वो उस मेयार पर हैं, उस आला मेयार पर हैं कि अगर उन्हें कहा जाए कि कल शाम तुम्हारी मौत आने वाली है तो उनके अमल में कुछ इजाफा नहीं होगा, गोया कि वो हर रोज अपनी जिंदगी को आखिरी, अपनी जिंदगी के दिन की, आज के दिन को आखिरी दिन समझते हैं। और ये तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म दिया है ना कि ये करो, ये हमें सबको ये करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सही बुखारी में मौजूद है, मारूफ है, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब औ आबिर सबील, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर है, ऐसे रहो जैसे कोई अजनबी है। अजनबी कहीं डेरा तो नहीं लगाता, मुसाफिर कहीं डेरा तो नहीं लगाता, मुसाफिर थोड़ा सा सामान लिया हुआ है, गुजरते हुए जा रहा है, कहीं दरख्त का साया आ गया, आराम किया, फिर चल दिया, या मुसाफिर या अजनबी, इस तरह जिंदगी गुजारो। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो कहा करते थे कि जो शाम आए तो समझो कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी शाम है, और जो सुबह हो तो समझो कि मेरी जिंदगी की आखिरी सुबह है। अगर हम अपने अंदर ये माना खूब अच्छी तरह जमा लें, इसको खूब याद कर लें, समझ लें, तो हम रोजाना अच्छा अमल करेंगे, बुरे कामों से यकीनन हम बचेंगे, तो यकीनन खात्मा बिलखैर होगा। और एक चीज है जिक्र इलाही, अल्लाह को हर वक्त याद करते रहना, उठते बैठते चलते फिरते सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, जितना भी हो सके जिक्र इलाही में मशगूल रहें, घबराएं नहीं, जिक्र इलाही में मशगूल रह के नेक आमाल में मशगूल रहते हुए ये ना समझें कि शायद मुझे मेरी मौत से मुझे डराया जा रहा है। मौत का तो डर हमें अपने दिल में रखना नहीं चाहिए, और डर तो हम निकालना चाहते हैं, लेकिन अगर मौत हमारी आ जाए तो हमारा खात्मा बिलखैर हो जाए। उसके लिए ईमान, अकीदा, अमल साले और जिक्र इलाही की कसरत,
एक आदमी जिक्र इलाही करता रहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह बकसरत पढ़ता रहता है, तो यकीनन उसका खात्मा बिलखैर हो जाएगा, क्योंकि अगर उसने मरते वक्त भी अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो समझे कि वो कामयाब हो गया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशादी मुबारक जो है वो बड़ा मारूफ है, मन कान आखिरु कलामिहि ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना, जिसका आखिरी कलाम, जिसकी ज़बान से निकले हुए आखिरी कलिमात ला इलाहा इल्लल्लाह हो गए, वो जन्नत में दाखिल। और अगर हम जिक्र के करीब ही ना आए, बड़ी मुश्किल से कुछ फराइज ही पूरे करें, वो बात तो बहुत बड़ी है वो भी, लेकिन एक जरिया अपनी आखरत को संवारने का और दुनिया से आपका खात्मा बिलखैर हो, हमारा खात्मा बिलखैर, आपका से कोई ये भी ना घबरा जाए कि कहें हमारा खात्मा बिलखैर, मैं कहता हूँ मेरा खात्मा बिलखैर हो, उसके लिए हमें क्या करते रहना चाहिए। और इसी तरह जैसे फिक्र आखरत है, अकीदा व अमल है, तो हमें इसी तरह बाकी उमूर जो हैं उनको भी अपने सामने रखना चाहिए, हर वक्त तौबा करते रहना चाहिए। हम सब गुनहगार हैं, कोई आदमी कहे कि मैं मासूम हूँ कोई ऐसा है नहीं, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मासूम है और उसने अपने अम्बिया को मासूम रखा गुनाहों से, अम्बिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मासूम रखा। बाकी कोई कहे, हमारी एक पार्टी है वो कहते हैं आइमा मासूमीन, कोई मासूम नहीं अम्बिया के सिवा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को मासूम नहीं कहा। सहाबा इकराम से गलतियां हुई, अब गलतियां गिनाने का फ़ायदा नहीं है, वो टाइम भी इतना नहीं है। सहाबा इकराम का मुकद्दस तरीन मुआशरा था, वो मुकद्दस तरीन दौर था, इसके बावजूद जना के वाक़यात पेश आए, चोरी के वाक़यात पेश आए, तोहमत लगाने के वाक़यात पेश आए, जिन पे हद है यानी बड़ी सख्त सजाएं हैं। मासूम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अम्बिया के सिवा किसी को नहीं बनाया, गुनाह सब करते हैं, सब गुनाह करते हैं, लिहाजा मौका ब मौका तौबा करते रहना चाहिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ख्याल है, आपसे बड़ा बाअमल, आपसे बड़ा पारसा, आपसे बड़ा पाकबाज दुनिया में कोई है? सहाबा कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक मजलिस में 70-70 मरतबा और 100-100 मरतबा आपको तौबा करते सुनते। और नबी अकरम कहते हैं, आप फरमाते हैं कि मैं इस तरह तौबा करता हूं, तौबा करते रहना चाहिए, इससे भी हमारी जो जिंदगी है इसके खात्मे के अहसन होने की इंशाल्लाह उम्मीद है। और ये जो हुस्ने खात्मा है उसकी कुछ अलामतें भी हैं, मसलन आखिर में ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह आ गया तो समझें कि ये हुस्ने खात्मा है, बहुत अच्छी बात हो गई। इसी तरह अगर किसी को मरते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफें तो नहीं हुई लेकिन पेशानी पे पसीना आ गया है तो वो समझ ले कि उसकी उसका भी हुस्ने खात्मा है इंशाअल्लाह। ऐसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई जुमेरात और जुमा को वफात पाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए भी उसकी मौत की सख्तियाँ और उसका हिसाब जो है वो सस्ता हल्का कर देता है। शहादत की मौत पा जाए, और शहादत की कोई एक अकसाम नहीं, शहादत की बहुत सारी किस्में हैं, उन सारी तफसील में जाकर हम अपने मौजू से निकल ना जाएं, क्योंकि हमारे पास एक दूसरा हिस्सा भी है और वो दूसरा हिस्सा क्या है, आपके सवालात और जवाबात हैं। और इस सिलसिला में एक बात और कह दूं कि आदमी को तकवा इख्तियार करते रहना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तकवा दिल में रखना चाहिए, जो काम करने लगें देखें कहीं ये तकवा के ख़िलाफ़ तो नहीं, कहीं इस्लाम के ख़िलाफ़ तो नहीं, कहीं ये शरीयत के ख़िलाफ़ तो नहीं, अगर ये रवैया हमने अपना लिया तो समझें कि इंशाअल्लाह खैर होगी। और तकवा क्या है इसके बारे में मुख्तसर मैं जिक्र करके बात को छोड़ देता हूँ। तकवा के बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि तकवा क्या है, तो उन्होंने कहा कि कभी कांटेदार झाड़ियों के अंदर से गुजरे हो? साहिल ने कहा हाँ कई मरतबा। कहा कैसे गुजरते हो?
कहा कि अपने कपड़ों को लपेट समेट कर दरमियान में से निकल जाते हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं यही तकवा है। ये दुनिया गुनाहों के कांटों से भरी हुई है, सारी दुनिया अपने आप को गुनाहों से बचाते हुए निकलते चले जाना, यही तकवा है। और बाद अहले इल्म ने कहा कि जिन कामों से अल्लाह ने मना किया है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना किया है, उनसे बाज आ जाना, और जिन कामों का हुक्म दिया है हस्बे तौफीक उनको सर अंजाम देना, ये तकवा है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बड़ी तकवा की बड़ी जामे तारीफ या तारफ करवाया है। उन्होंने कहा हैया अत्तक्वा हैया अलखौफ मिन अलजलील, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ दिल के अंदर, अल्लाह का खौफ, वल अमलो बिमा फित तंजील, कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत रसूल पर अमल हो, वल क़िनाअत बिल क़लील, थोड़े पर किनात करे, ये ना हो कि सारा दिन रात मारा मारा पैसा जमा करने की दौड़ में लगा हुआ है। अल-क़िनात बिल-क़लील, थोड़े पर किनात करे, जो मिले अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम हत्ता कि खुद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वाक़यात पढ़े, तीन तीन महीने घर में चूल्हा नहीं जलता था। यह है अल-क़िनात बिल-क़लील। और चौथा अल-खौफ़ मिन अल-जलील, अल्लाह का खौफ, वल अमलो बिमा फित तंज़ील, कुरान और सुन्नत पर अमल, अल-क़िनात बिल-क़लील, थोड़े पर किनात करना, और चौथा है वल इस्तेदाद लियौम अर-रहील, अपने इस दुनिया से सफर के दिन के लिए तैयारी करना। यानी आदमी तैयार हो किसी भी दिन कब मौत आ जाएगी वो उसके लिए तैयार रहे, नमाज रोज़ा हज ज़कात ये अमाल जो हैं ये सारे के सारे सरंजाम देता रहे। आज के दौर में जो बकसरत मौतें वाकई हो रही हैं उससे घबराने की कोई बात नहीं है, ज़रूरत इस बात की है कि हम तैयार रहें। बस मैं इन्हीं कलिमात पर इक्तफा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम इस दुनिया से जाएं तो ईमान पर हों, रहें तो ईमान पर रहें, हमारा खात्मा बिलखैर हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए। अकूल कौलि हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व अस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। जी मुरसलीन साहिब, क्या फोटो उल्टा आ रहा है कैसा? हाँ वो एक मतलब इसको मोबाइल को अगर आप ऐसे ऐसे अच्छा ठीक हो गया। जी तो सवालात का सिलसिला इस तरीके से है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए ना सवालात को, जी तो थोड़ा सा टाइम पहले इसको दे देते हैं फिर इंशाल्लाह हाजरी में मजलिस को मौका देंगे कि वो ठीक कोई सवाल करना चाहिए। इसको पहला सवाल ये है कि सवाब वो ये पूछना है कि इंसाने सवाब अगर कोई शख्स जिसका इंतकाल होता है उसके घर वाले जिस दिन उसका इंतकाल होता है उसी तारीख पे सालाना तौर पर सिर्फ उसके घर वाले जी अगर कुरान पढ़े तो उस हवाले से उसी दिन क्या आप फरमा रहे हैं कि उसी दिन ये बात हो? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
जी आवाज आ रही है। मैंने पूछा था कि उसी दिन जिस दिन वो मरे उस दिन के कुरान खानी की बात कर रहे हैं या मुतलक? नहीं, उस दिन नहीं, मतलब उस तारीख को हर साल, हर साल यानी जो उर्स की शक्ल उस होती है। तारीख को। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ घर वालों की बात कर रहा हूँ, हम किसी को इस हवाले से दावत नहीं देंगे, किसी को बुलाएंगे नहीं। घर वाले कुरान पढ़ने, तो क्या ये तरीका सही है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल जवाब के इस सेशन में पहला सवाल जो पूछा गया है हमारे नाज़रीन ने और सामीन ने सुन लिया है। सवाल ये है कि किसी के मरने के बाद उसके ईसाले सवाब के लिए क्या कुरान खानी की जा सकती है, यानी कुरान पढ़ा जा सकता है या नहीं। तो इस सिलसिले में पहली बात यह है कि जो नफ्स मसला है कुरान खानी का वो साबित है। नफ्स मसला कुरान खानी का साबित है। वो किन मानों में साबित है? कुरान खानी का माना है किराअत कुरान या तिलावत कुरान। तिलावत कुरान बहुत बड़ा अमल है, बहुत ही अजर व सवाब वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन करा हरफन मिन किताबिल्लाह फलहू। सुनन तिर्मिजी की हदीस है, जो आदमी अल्लाह की किताब कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ता है उसे अल्लाह एक हर्फ के बदले में नेकी देता है, वल हसना बे अशरे अमसालेहा, और एक नेकी 10 गुना स्वाब, यानी एक हर्फ पढ़ने से 10 गुना। और आप साथ ही इरशाद फरमाते हैं, वला अकूलो अलिफ लाम मीम हर्फ। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम हर्फ है, जैसे सूरह बकरा की पहली आयत है ना अलिफ लाम मीम। मैं ये नहीं कहता कि ये एक हर्फ है, बल अलिफुन हर्फ वलामुन हर्फ व मीमुन हर्फ। बल्कि अलिफ अलग से हर्फ है, लाम अलग से हर्फ है, मीम अलग से हर्फ है। तो ये 3 हर्फ हो गए, सिर्फ इतना कहने से 30 नेकियां मिलती हैं, ये तो हो गया जायज। जो तिलावत कर रहा है उसे ये नेकियां मिल रही हैं। और एक शक्ल ये है कि जिसने किसी को कुरान सिखलाया है, यानी हाफिज है, कारी है, और उसने अपने शागिर्दों को कुरान सिखलाया, अब सिखलाने वाला उस्ताद है और उस्ताद को सिखलाने के इवज अल्लाह रब्बुल इज्जत ये अजर सवाब अता करेगा। अब रहा मसला ये कि कुछ लोग या कुछ वो रिश्तेदार हैं हमारे जिनका इस बात से ताल्लुक है कि उन्होंने हमें ना सिर्फ सुनाया, ना सिर्फ हमें सिखलाया, बल्कि अगर किसी और के जरिए सिखलाया तो उस पर खर्चा किया, हमारी तरबियत पर खर्चा किया, तवज्जो दी। अब वो हैं वालिदैन, और कभी वालिदैन के अलावा कभी ऐसा होता है कि वालिद फौत हो गया है और ये सारा काम एक बड़ा भाई कर रहा है, दो एक भाई मिल के कर रहे हैं, इंशाल्लाह उन्होंने खर्चा किया, उन्होंने मेहनत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको इसके कुरान पढ़ने का, इसके तिलावत करने का यकीनन सवाब अता करेगा, क्योंकि वो है अद्दालु अलल खैर कफाइलही, खैर की तरफ दलालत करने वाला भी उसी तरह सवाब पाता है जैसे कि करने वाला पाता है। अब यहां एक बात और आ जाती है कि जिनका उसकी तरबियत में कोई अमल दखल नहीं, जिनका उसकी तालीमों तहफीज में कोई अमल दखल नहीं, ना उसने उसको कुरान पढ़ाया, ना कुरान पढ़ने पर खर्चा किया, अब कहें कि वो भी कुरान पढ़ेगा तो उसको सवाब जाएगा। और फिर ये मसला सिर्फ इतना ही नहीं कि सवाब जाएगा, हमारे यहाँ इसके लिए वो जो उन्होंने अच्छा किया पहले उसका इनकार कर दिया कि बाहर से तो नहीं मंगवाएंगे, लेकिन होता क्या है, लोग इकट्ठे हो गए, महल्ले की औरतें आ गईं, मदरसे के तालिब इल्मों को ले आए, और बिरयानी और बूंदियाँ और ये और वो पकना शुरू हो गए, उधर कुरान खानी हो रही है, उधर बड़ी खुशबुएं उठ रही हैं, कौन सिपारा पूरा पढ़ेगा और कहेगा कि मैंने पढ़ लिया है? ऐसे वाक्यात सुनने में आते रहते हैं कि ऐसे थोड़ा हूं किया और कहा जी हमारा पूरा हो गया। अब इन लोगों से आप तवक्को रखेंगे कि ये सवाब पहुंचाएंगे हमारी मैयत को? ऐसा कुछ नहीं है। या वालिदैन जिन्होंने तरबियत की, पैसा खर्च किया उसे पढ़ाने पर, या उस्ताद जिसने उसे पढ़ाया, इनके अलावा कहें कि कुरान खानी या कुरान पढ़ने वालों को सवाब जाएगा कि पढ़ने वालों की तरफ से भेजा हुआ सवाब जाएगा, ऐसा नहीं। सवाब जाने की जो शक्लें हैं, इशारे सवाब जायज़ हैं,
अब ये नहीं कि मैं कहूँ कि मुतलकन इसाले स्वाब कोई शाय नहीं, इसाले स्वाब जायज। अगर कोई आदमी अपने फौतशुदा बाप है, दादा है, दादी है, नाना नानी कोई भी है, माँ है, अगर किसी का कोई बड़ा फौत हो चुका है, बीवी फौत हो गई है, शोहर फौत हो गया है, ऐसे वाक़त मिलते हैं कि शोहरों के लिए, बीवियों के लिए लोग बड़ा कुछ करते हैं। अगर कोई खर्चा करता है, मस्जिद बना दी उसके उसके सदकाए इसाले स्वाब के लिए, मदरसे में खर्चा कर दिया उसके इसाले स्वाब के लिए, कुछ भी कर दिया उसके इसाले स्वाब के लिए, ये स्वाब जाएगा क्योंकि ये माली सदका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहने लगे, या रसूलल्लाह मेरी वालदा वफात पा गई हैं और वफात के वक्त मैं पास नहीं था, मैं पास होता तो शायद वो कुछ कहती, कुछ सदका करने की मुझे वसीयत करती, लेकिन मैं पास नहीं था, मैं चाहता हूँ मेरे पास एक बाग है, अगर मैं वो बाग अल्लाह की राह में सदका कर दूँ वालदा के स्वाब के लिए यानी ईसाले स्वाब के लिए, तो क्या उनको स्वाब जाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएगा। कोई तकल्लफ नहीं, कोई मौलवी को जमा कराने का मुतालबा नहीं। हमारे तो ये होता है ना, जो आम हमारा मुरव्वज कुरान खानी का हलका है उसमें सारे एक एक सवारा पढ़ते हैं, फिर वो अपने मौलवी साहब को जमा कराते हैं, मौलवी साहब जो हैं फिर उसके बाद अपने तरीके से उसको पोस्ट करते हैं। ऐसा वहाँ कुछ नहीं हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएगा, बात ख़त्म हो गई। तो अगर कोई इस तरह का माली सदका करता है इंशाल्लाह उसका स्वाब उसे जाएगा। कोई हज करता है, हज अनिल गैर जायज़ है, साबित है, उमरा करता है, साबित है, लेकिन कुरान पढ़ के किसी को भेजने का तरीका वो सलफ़ सालहीन उम्मत से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफ़ा राशिदीन सहाबा से साबित नहीं है। अगला पार्ट है वो ये कह रहा है कि अगर मैं ईद के दिन नए कपड़े गरीबों में तकसीम करूं उन्हीं मरहूम के नाम से, तो ये तरीका जायज है? इसमें इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है क्योंकि ये माली है, माली सदका है। कपड़े लेके तकसीम कर दे, या मिसाल के तौर पर आजकल जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, लोग बड़े जो खाते पीते लोग थे वो बेचारे भी लॉकडाउन की वजह से ढेर हो गए, बड़े बड़े मीनार ढेर हो गए इसमें, तो ऐसे में अगर कोई चाहता है कि मेरे वालदैन फौत हो चुके हैं और उनका मेरे मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, वो एहसान उतारने के लिए या एहसान कम करने, उतार तो कुछ सकते ही ना माँ बाप का एहसान, लेकिन एहसानात का बदला कुछ ना कुछ चुकाने के लिए अगर कुछ खर्च करता है, गरीबों में बांट दिया, मस्कीनों में बांट दिया, उन लोगों में दे दिया जो कि आज बेचारे मोहताज हो गए हैं, तो इंशाल्लाह जिसके ईसाले स्वाब के लिए नियत करके ये काम करेगा अल्लाह उसे स्वाब पहुंचाएगा। शिक्षक, ये जो कब्रिस्तान में कबर पर जब जो भी इंतकाल जो मरहूम होता है उसकी तदफीन के बाद इज्तिमाई दुआ के बारे में दीन और कुरान सुन्नत क्या कहता है? क्या इज्तिमाई दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है? हमारे यहाँ पाको हिंद में तीन दुआएं की जाती हैं। एक दुआ करते हैं जब जनाजे की नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद फिर वहीं खड़े खड़े इज्तिमाई दुआ करते हैं, इस दुआ का कोई सबूत नहीं है। एक दुआ कब्रस्तान में मैयत को दफन करने के बाद कोई 40 कदम निकल कर फिर कब्रस्तान की तरफ मुंह करके दुआ मांगते हैं, कोई सबूत नहीं है। इन दो दुआओं का कोई सबूत नहीं, लेकिन दफन करने के बाद कब्र पर खड़े होकर दुआ मांगना साबित है। कब्र पर खड़े होकर दुआ मांगना साबित है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया था, इस अलू लहुल आन अत्तसब्बत, इस अलू लहु अत्तसब्बत फइन्नहुल आन युसल, इसके लिए साबित कदमी की दुआ मांगो, अब इससे सवाल होगा। और सवाल वही जो मशहूर हैं, वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए हैं, मन रब्बों का, मन दीनों का, मन नबियों का, वो तीन सवाल बड़े मशहूर। देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इम्तिहान भी दिया, पर्चा भी आउट कर रखा है 1400 साल पहले से, सवाल बता रखे हैं, लेकिन इनके जवाब कौन देगा जिसने सारी जिंदगी इन जवाबात की तैयारी की होगी, जिसने कभी अल्लाह की मानी नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानी नहीं, दीन पे चल के नहीं देखा, वो क्या जवाब देगा और क्या उसके पास होगा। गर्ज ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस अलू लहू
التثبت, इसके लिए साबित कदमी की दुआ करो, فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ, अब उससे सवाल होगा। तो इससे दुआ मांगने का सबूत मिलता है। आपने सहाबा इकराम को ये नहीं कहा कि मेरे साथ मिलकर अब सब दुआ करो, फरमाया दुआ करो। तो बेहतर तरीका यही है कि हर कोई आदमी उस दफन करने के बाद दुआ मांगे, लेकिन उसमें एक मांगे दूसरे सारे आमीन कहें ये ना जरूरी है, ना ही इस हदीस से उसका सबूत मिलता है। अच्छा, ये इद्दत के वक्त औरत जब इद्दत में हो तो किसी नामहरम की दर्स व तदरीस वो अटेंड कर सके, मतलब दर्स सुन सकती है गैर महरम? अगर सिर्फ आवाज की हद तक रहे, सिर्फ आवाज की हद तक रहे तो यकीनन कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इद्दत में जो चीज़ें मना हैं वो चीज़ें बड़ी वाजे हैं। एक तो ये कि जर्क बर्क चमकदार लिबास ना पहने, कोई खुशबू वगैरह इस्तेमाल ना करे, मेकअप के लिए किसी किस्म का कोई कलर इस्तेमाल ना करे, और सादा साफ सुथरे धुले हुए सादा कपड़े रखे, और बिला ज़रूरत बाहर ना निकले, हत्ता कि कोई फौत हो जाए उसके जनाजे में नहीं जा सकती, अगर कोई बीमार है उसकी इयादत तक के लिए नहीं जा सकती। अलबत्ता एक चीज़ जिसकी गंजाइश है कि अगर बीमार हो जाए, अब यह है कि इद्दत वाली बीमार भी तो हो सकती है ना, बल्कि अमूमन बड़ी उम्र की औरतें जो हैं वो फिर एक गम होता है फौतगी का, दूसरा एक जगह थोड़ा बंद होके बैठ जाना, तो बीमार हो जाए, अगर कोई बीमार हो जाए तो वो दुआ लेने के लिए जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं। रास्ते में कोई मिल जाए बीमार है या उसका कोई रिश्तेदार है, चलते हुए सिर्फ अगर पूछ ले तो इंशाल्लाह, जैसे एतकाफ की कुछ शर्तें हैं ना कि घर किसी के ना जाए, लेकिन रास्ते में कोई मिल गया है पूछ लिया बस, उसके घर चला जाए कि हाँ क्या हाल है, वो जायज़ नहीं है। इद्दत में ये चीज़ें हैं। और रहा मसला के घर वालों से वो अलग थलग रहेगी, ऐसा नहीं है, घर वालों के साथ मिलजुल कर रहे, और घर वालों ने कोई ऐसा इंतज़ाम कर लिया, मसलन वीडियो नहीं है, अब ज़ाहरा के ख़वातीन के लिए ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो वीडियो ही देखें, बल्कि ज़रूरी क्या, चाहिए ही नहीं, चाहिए यह कि वो ऑडियो सुन लें। ऑडियो सुनती हैं तो यकीनन आवाज़ जो है उनके लिए मना नहीं है, आवाज़ सुनें, फ़ायदा उठाएं, इन अयाम में दीनी किताबें पढ़ें, तालीम हासिल करें, बहुत अच्छा है, और इंशाल्लाह इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। सर आप ये कह रहे हैं कि जब औरत इद्दत में हो तो बाहर के लोग उनसे मिलने ना जाएं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि वो किसी के घर इयादत के लिए ना जाए, किसी के घर ताज़ियत के लिए ना जाए, दवा लेने के लिए जा सकती है, और लोग जो बाहर से आए उनमें उसे कौन मिल सकता है जो उसका महरम है। हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब आदत सुनने में आती रहती है, मौका बमौका ज़ार मौतें हो रही हैं, फौतगियाँ, आज नहीं ये तो एक वबा है, इससे पहले भी तो ये सिलसिला चलता रहा, ख़वातीन का और ख़वातीन के रिश्तेदारों का सवाल आता है, जी वो तो अब इद्दत में है और वो तो टेलीफोन पर भी बात नहीं कर सकती, ताज़ियत नहीं कर सकती। अब पहली बात ये कि अगर टेलीफोन पर कोई बाहर से रिश्तेदार है और वो ताज़ियत करना चाहता है, टेलीफोन नॉर्मल ऑडियो वीडियो नहीं है, दुआ सलाम कर लेने में और उसके ताज़ियत के कलिमात सुन लेने में इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं। कहेंगे कि उसे कोई मिल नहीं सकता, उसे कोई देख नहीं सकता, जो गैर महरम हैं उनका मसला बिल्कुल मुनक़िते कर देते हैं, कुछ इस अंदाज से कि गोया सिर्फ पर्दा इद्दत में है, जबकि ये बहुत गलत नज़रिया है। पर्दा मुस्तकिल औरत की जब वो बालिग हो जाए बिलखसूस, बल्कि तरबियत तो बच्चों को देनी चाहिए कि जब बच्चा समझदार हो जाए, बेटी होश में आ गई, उसको मर्दों से मेलजोल ख़त्म कर दी जाए, लेकिन अगर बिलफर्ज बच्ची बालिग हो गई है तो अब उसका पर्दा है, हर उस शख्स से पर्दा है जिससे उसका निकाह हो सकता है, कभी भी, बड़ा हो छोटा हो, और हर उस शख्स से उसका पर्दा है जो उसके लिए नामहरम है। सिर्फ महरम लोग जो हैं, महरम मर्द, उनसे वो पर्दा ना करें, वरना हमारे यहाँ वो जैसे ही इद्दत का दसवां दिन, चार महीने 10 दिन इद्दत है ना, दसवां दिन इद्दत का ख़त्म हुआ, फिर कुछ अजीब सा अंदाज होता है, वही गैर महरम, वही बेपर्दगी, मुंह नंगा, सारे रिश्तेदार आ रहे हैं जा रहे हैं, और पहले भी यही था,
4 महीने 10 दिन के लिए पर्दा, ऐसा कहीं नहीं आया कि ये पर्दा सिर्फ 4 महीने 10 दिन के लिए है। मिले लोग, लेकिन महरम जो हैं वो पास जाके मिल सकते हैं, गैर महरम पर्दे में दुआ सलाम कर सकते हैं, ताजियत कर सकते हैं। तो ये अगर बीवी को शौहर इसरार करे कि आईब्रोज जो पलके हैं ये बनाओ, इसमें बनाओ सिंगार करें, तो क्या ये औरत कर सकती है? या अगर शौहरों की मर्जी पे, हर मर्जी पे औरत चले, तो मेरा ख्याल है कि बाज औरतों के लिए दीन का इख्तियार करना मुश्किल हो जाएगा। बाद शौहर वो हैं जो कहते हैं कि देखो ये मेरा दोस्त है, इसके लिए खाना पकाना, चाय लेके आना, इसके पास बैठना, ये वो करना, ये ज़रूरी है। ये कितने गैरत की कमी है इसमें, इस तरह के लोगों में, कि गैर महरम के सामने अपनी बीवी को ये नंगे करके बैठाना चाहता है। कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, मेरा दोस्त है। पार्टियों में जाएं, कोई पर्दा नहीं है, सब मिलजुल के चलेंगे, ये होगा वो होगा। अगर शौहर ऐसा हुक्म दे जो कुरान और सुन्नत से टकरा नहीं रहा, यानी शौहर कहता है कि साफ सुथरे कपड़े रखा करो, रखा करें, शौहर कहता है 24 घंटे ज्वेलरी पहन के रखा करो, पहन के रखा करें, शौहर कहता है कि फुल मेकअप में हर वक्त तैयार रहा करो, रहा करें, ये सब जायज़ हैं। लेकिन ये कि पलकें बनाओ, ये चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत पर लानत फरमाई है जो पलकों को छोटा बड़ा लंबा मोटा करती रहती है, बदलती रहती हैं, और भी चीज़ें हैं जो लानत वाली हैं, उनमें से एक ये भी है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि उस औरत पर लानत है, शौहर कह रहा है कि करो, तो क्या कोई औरत गुवारा करेगी ये बात? ये हो गया एक पहलू। इसका दूसरा पहलू भी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सही हदीस में ये मौजूद है, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अगर खालिक की नाफरमानी हो रही हो, मखलूक में से किसी की इताअत करना ज़रूरी नहीं है। माँ बाप हो, शौहर हो, उस्ताद हो, पीर हो, इमाम हो, जो चाहे हो, अगर अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी हो रही है, कोई इताअत नहीं है। यही मामला पलके बनाने या पर मजबूर करे करने वाले शौहर की बीवी का भी है। तस्वीर के हवाले से एक सवाल आया है कि तस्वीर या वीडियोस बनाना, यानी लोग बैरून मुकीम है, बैरून मुल्क मुकीम है, वालिद हैं, बच्चे यहाँ पर हैं, इस तरीके से या कुछ, तो क्या इस हद तक कुछ गुंजाइश है कि उनके वीडियोस या तस्वीर? आजकल असल में ये जो मसला है ना तस्वीर का, ये एक बलवे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आदमी फौत हो गया है, उसके लिए उसकी मैयत उठाई जा रही है, ले जाई जा रही है, उसको गुसल दे के कफन दिया गया है, हर किसी की, हर चीज़ की तस्वीर, बच्चों की तस्वीर, बीवी की तस्वीर, शौहर की तस्वीर, हर तरह की तस्वीरें बनाई जाती हैं, और इतनी लापरवाही से बनाई जाती हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे, कि परवाही नहीं होती, जबकि तस्वीर साजी असलन जायज़ नहीं है। अब यहाँ एक बात जो आप नहीं कह पाए या आपके साहिल ने नहीं कहा, वो मैं कह देता हूँ। कहते हैं जी ये मौलवी साहब का वीडियो क्यों चल रहा है ना, सीधा सा सवाल एक। अब मौलवी के वीडियो में कोई ना गाना है, ना डांस है, ना म्यूजिक है, मौलवी के वीडियो में क्या है? कुरान और सुन्नत का दर्स। अब आप मिसाल के तौर पर एक ये वीडियो ले लें, एक घर में वीडियो चलाने वाला वीडियो प्लेयर है और वो उसमें कुछ ना कुछ लगाए रखते हैं। अब वहाँ कभी कभी किसी मौलवी का वीडियो लग जाता है, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा बुराई से बचे रहेंगे या नहीं? मुसलसल फिल्में देखने, मुसलसल ड्रामे देखने से थोड़े वक्त के लिए एक अच्छी चीज सुनने को मिल गई, बहुत दुनिया को हिदायत मिल जाती है, बहुत दुनिया को मिली। ऐसे वाकयात मौजूद हैं कि बहुत सारी दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके लिए हिदायत दी है। तो ये वीडियोज जो हैं हमारे आम शादी का वीडियो, उसमें कोई हिदायत है? बच्चे का अकीका है, उसका वीडियो, कहीं से हिदायत आएगी उसमें? बच्चे का शादी की वलीमे का वीडियो, आदमी फौत हो गया उसकी बेचारे की मैयत का वीडियो, हर जगह
ये हैं सारे बेकार वीडियो, इनसे जितना भी हो सके आदमी बचे। अब उसको आप ये जब ट्रेस करेंगे ना उलमाए किराम की वीडियोस के साथ, कारी हजरात हैं कुरान करीम की तिलावत करने वालों के साथ, तो जाहिर है ये कोई मुआजना नहीं है, ये महज एक सामने वाले को जवाब देने वाली बात। जी तो हम बनाते हैं तो तुम मना करते हो, तुम बनाते हो तो क्या है। तो ये जैसे मैंने अर्ज किया कि इन वीडियोस में ना गाना ना मौसीकी ना डांस, ये वीडियो किताब सुन्नत के तालीमात पर मबनी होते हैं, लिहाजा इनके लिए थोड़ा सा गोशा नरम रखना चाहिए। बाज लोग, बाज उलमाए किराम आज तक वीडियो नहीं बनाते, कहते हैं ऑडियो बस, हमारा वीडियो ना बने, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मौजूदा दौर में चूंकि मीडिया का दौर है, इसमें चूंकि इस वीडियो का, वीडियो दर्सों का इनका एक मकाम है, एक फ़ायदा है, इसलिए अहले इल्म बड़े बड़े मुअज्जज़ उलमाए किराम जो हैं वो भी इसको कहते हैं कि इंशाल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं है। जगह पर मैंने सुना पहलू के दर्द से मरने वाला शहीद, पहलू का दर्द से मुराद और क्या हदीस सही है? मैं लगे हाथों यहाँ एक वो हदीस पूरी बयान कर देता हूँ कि आजकल जो ये बीमारी या वबा चल रही है ना कोरोना, इस कोरोना के इलाज के लिए लोगों ने बहुत कुछ कहा है, उलमाए किराम ने भी कहा, डॉक्टरों ने भी कहा, फलां ने भी कहा, फलां जिसका मेरा ख्याल इससे ताल्लुक नहीं था उसने भी कुछ ना कुछ कहा कि कोरोना का इलाज मेरे पास, कई लोगों ने कस्में खाई, कई लोगों ने क्या क्या कुछ किया कि ये करो तो बस ये हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है सही हदीस में कि एक पत्ता है सना मक्की, सना मक्की पत्ता है, उस पत्ते के अंदर या उस पत्ते में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 7 बीमारियों की शफा रखी है। सना मक्की पत्ते में 7 बीमारियों की शफा है, सही हदीस है। बाज़ उलमा से भी और बाज़ डॉक्टरों से भी मैंने एक जुमला सुना तो मुझे ताज्जुब हुआ कि लोग कभी कभी थोड़ी सी लापरवाही, बल्कि इंसान है हो जाती है। मैंने एक वीडियो सुना इसी बारे में तो वो कह रहे हैं कि हर बीमारी की शिफा है सिवाय मौत के, जबकि इसके बारे में वो नहीं है, ये सना मक्की के बारे में वो हदीस नहीं है, वो हब्बा सौदा के लिए है, कलमंजी के लिए। हब्बा सौदा फी है शिफा मिन कुल दा इल्ला साम, हब्बा सौदा में हर बीमारी की शिफा है सिवाय मौत के। और इसके बारे में फरमाया सना मक्की के बारे में कि इसमें 7 बीमारियों की शिफा है। 7 बीमारियां आपने गिनी नहीं, उनमें से एक बीमारी गिनी और वो कहा जातुल जंब, पहलू की बीमारी। जंब तो जाहिर है कि सारे जानते हैं ना, जानब या जंब, वो पहलू की बीमारी है क्या? कभी कोई कहता है कि ये जो टांग में दर्द होती है जिसको मेरा ख्याल है इरकुन निसा भी कहते हैं, इरकुन निसा, टांग में मुसलसल कोई दर्द, ये जाहिर है कि पहलू ही है टांग भी। लेकिन जो इसके बारे में सही मालूमात मुहैया की गई हैं अहले तिब अहले लुगत की तरफ से, जातुल जंब जो है वो बीमारी है कि पहलू में फिंसियाँ फोड़े निकलते हैं और उन फिंसियाँ फोड़े उनके निकलने के नतीजा में आदमी को बड़ी तकलीफ़ होती है और कभी कभी उसके नतीजा में वफात भी वाकई हो जाती है, मौत वाकई हो जाती है। तो ये है जातुल जंब। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो सना मक्की है इसमें 7 बीमारियों की शिफा है, उनमें एक जातुल जंब भी है। तो ये है वो हदीस जिसमें जातुल जंब बीमारी का जिक्र आया है, हदीस सही है और उसका इलाज सना मक्की में है। और अगर कोई सना मक्की, देखें कुछ चीज़ें हैं जिनका बाकायदा जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और आपने सिखलाया हमें, सना मक्की 7 बीमारियों की शफा जिनमें जातुल जंब है, और ये हब्बा सौदा या कलवंजी सारी बीमारियों की शफा जिसमें से सिर्फ एक निकाली गई और वो मौत है। शहद कुरान करीम ने 2 जगह फरमाया कि इसमें शिफा है, शहद में शिफा है, कुरान शिफा है, जैतून अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका जिक्र कुरान करीम में किया और इंतहाई बाबरकत पौधा है और इंतहाई बाबरकत उसके दाने हैं, तेल है, जिस अंदाज में भी इस्तेमाल करें
और इसी तरह अजवा खजूर है। अजवा खजूर के बारे में आपने फरमाया कि मन तसब्बह बिसब तमरातिन अजवा ला यदुर्रहु सिमन वला सिहर, अगर किसी ने 7 दाने अजवा खजूर के खा लिए उस दिन उसे ना जहर असर करेगा ना जादू टूना असर करेगा। और आब जमजम है, आब जमजम जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते खैर माइन अला वजह अर्द मा जमजम, दुनिया का बेहतरीन पानी रूए जमीन पर आब जमजम है। और हदीस में यह भी मौजूद है शिफा व सुकमिन ताम व तामिन व शिफा व सुकमिन, एक आदमी जो भूखा है उसके लिए वो खाना है आब जमजम, और एक आदमी जो बीमार है उसके लिए वो शिफा है। तो ये दो चीज़ें हैं जिनका जिक्र मैंने किया है, इनका कुरान में और हदीस में बाकायदा जिक्र आया है। आज के मौजूदा दौर में परेशान होने रोने लग जाने की बजाय जितना हो सके इन चीज़ों का इस्तेमाल रखें अपने घरों में, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन चीज़ों की बरकत से वो इन में शिफा डालेगा, शिफा जो बीमार हैं शिफा याब होंगे, जो बीमार नहीं हैं वो बेइज़्ज़ ताला महफूज रहेंगे। वबा के ताल्लुक से एक सवाल है कि इस वबा में जिसका इंतकाल हुए वायरस जो कोरोना वायरस है तो वो भी शहादत का रुतबा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह क्या जो मैदान जिहाद में वफात पाए वही शहीद हैं? तो आपने फरमाया तब तो मेरी उम्मत के शहीद बहुत थोड़े हो गए। फिर आपने बताया कि शहीद कौन कौन हैं जो अपने जान माल और आबरू को बचाते हुए मारा जाए वो भी शहीद है, वो औरत जो डिलीवरी के वक्त फौत हो जाए वो भी शहीद है, जो किसी आतश जदगी में जल कर मर जाए वो भी शहीद है, जो किसी मकान के गिरने पर दब कर मर जाए वो भी शहीद है, जो पानी में डूब कर मर जाए वो भी शहीद है, और जो पेट की बीमारी के नतीजा में मर जाए वो भी शहीद है, और जो ताउन की बीमारी में मर जाए वो भी शहीद है। ताउन के बारे में ये हदीस मौजूद है, लेकिन बाज़ उलमा ने ये कहा कि ये वबारी बीमारी जो है ये ताउन है जबकि ये ताउन नहीं है। सही बात ये है कि ताउन और चीज़ है और ये जो मौजूदा कोरोना है ये और चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इसमें वफात पा रहे हैं उनकी मौत को शहादत की मौत कबूल फरमाए, मालिक की मर्ज़ी है, लेकिन हदीस में जिस बीमारी में मरने वाले का जिक्र है वो ताउन है। सर एक चैट में एक सवाल आया है कि ये जो मैयत को अगर कोई बैरून मुल्क है या अभी आजकल क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है तो क्या मैयत को लाइव कॉल पर दिखाया जा सकता है उसके महरम रिश्तेदारों को? वो तो वही बात हुई ना पहले, जैसे मैं जिक्र किया था कि वीडियो बनाए जाते हैं और सारा कुछ होता है, जो सूरत हाल वो है ना, वीडियो शादी का हो वीडियो मैयत का हो, जो चीज़ें जिनका असलन कोई फ़ायदा नहीं है, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है उसकी कोई सूरत हाल शर्म जो है ना वो नहीं बनती, लेकिन आजकल ये बहुत आम हो रहा है मैयत जो है वो वीडियो पे दिखाई जाती है, बल्कि जहाँ जहाँ तक कोई पहुँच सकता है नहलाने के बाद कफन पहनाया गया चेहरा दिखा रहे हैं, मैयत ले जा रहे हैं जाते हुए की वीडियो बनाई दिखा रहे हैं, लेकिन शरण इन चीज़ों का चूँकि इसमें कोई ऐसा किसी किस्म का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, लिहाजा इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। जो एक सवाल है, अगर कोई शख्स हर माह कुछ रकम अपने बच्चों के नाम से अलग अलग जमा कर रहा है, तो 4 बच्चे हैं अगर मिसाल के तौर, और तो क्या इस रकम पर अगर साल पूरा हो जाए तो ज़कात है? पहली बात यह है कि बच्चों के लिए अलग अलग यानी 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों के नाम से वो पैसे डालता जा रहा है, हर महीने में 1,000, 500, 1,500 हस्ब तौफीक जमा करता रहा, और बच्चे हैं अभी छोटी उम्र के, डाल रहा है बना रहा है कि बड़े होंगे तो मैं इनकी शादियां कर दूंगा, इनकी तालीम पे लगा दूंगा, इनके ये कर दूंगा वो कर दूंगा। एक बात कोई भी शख्स मुझे बताए कि अगर इसे खुद अपने नफ्स के लिए जरूरत पड़े तो वो पैसे इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा? करेगा।
क्योंकि फौरन वो उनके बच्चों के बनाए हुए जो खजाने होते हैं वो भी खोलेगा, बीवी से जेवर भी मांग लेगा, बीवी के पास अपना कोई पॉकेट मनी बचा पड़ा है वो भी ले लेगा, अपने कोनों खुदरों से निकाल कर अपनी जरूरत पूरी करेगा। तो इसका माना ये हुआ कि वो माल बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों के नाम कर दिया है लेकिन माल का मालिक कौन है? उस ये वालिद है। घर के अंदर जितना भी पैसा मौजूद हो वो किसकी पॉकेट में है? अगर वो बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है तब भी वो बाप का है, बच्चे के घर में ही कोई सेफ बना के दे दिए हुए हैं चारों को अलग अलग तब भी बाप का है। जब तक वो बच्चे अपना पैसा अपने खाते में खर्च नहीं कर लेते तब तक उस बच्चों के अलग पैसे की ज़कात देना होगी। और ये तो इसी तरह है जैसे हमारे यहाँ एक और काम भी करते हैं, ये तो कैश की बात है बच्चों के लिए मुतलकन। हमारे यहाँ एक काम और भी सुनने में आ रहा है करते हैं कि 7.5 तोले सोना हो जाए तो ज़कात शुरू हो जाती है ना, निसाब हो गया ज़कात शुरू हो गई, 7 तोले पर ज़कात नहीं है। अब 7 तोले बीवी के पास है, 7 तोले अम्मा के पास है, 3-4 बेटियां हैं, 7 तोले उनके पास है, साथ में 2-3 बहनें भी हैं, 7-7 तोले उनके पास है। ये सारे लोग एक ही घर में एक ही छत पर एक ही छत के नीचे एक ही चूल्हे पर खाते हैं। अब इन सब के पास 7-7 तोले सोना है, आप अंदाजा करें कि ये 100 तोले या 50 तोले के करीब सोना मौजूद है। कहते हैं जी ज़कात हमारे यहाँ बनती नहीं, तुम्हारे यहाँ तो फिर बनेगी नहीं, 7-7 तोले करके सोना लेके देते चले जाओ बारी बारी सबको, और जब पैसों की बारी आएगी तो फिर ये बच्चों के नाम अलग अलग सबके सेफ बना दो, अपने पास कुछ रखो नहीं, तुम पे ज़कात आएगी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरना चाहिए, ये अल्लाह के साथ सीधी सीधी चीटिंग करने वाली बात है, जबकि वो ज़ात इन चीज़ों से बरी है, उससे कोई धोखा नहीं कर सकता। युखादिउन अल्लाह वहुवा खादिउहुम, ये अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, पैसा मेरा मैं थोड़ा बांट तांट के इधर, ये हीले हैं ज़कात से बचने के हीले, इन हीलों से बचकर अपने पैसे को नजायज़ न कर लें, अपने पैसे में से ज़कात निकालें ताकि वो पाक हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में आ जाए, उसका हक अदा हो जाए। जिनको मैसेज जिनको सवाल करना हो मुझे मैसेज कर दें, वो बतला दें यहाँ पर, तो उनको चूज करने में आसान हो जाएगा। तब तक एक सवाल ये है कि क्या मौजूदा हालात और माशी मसाइल के पेश नज़र कुर्बानी के बजाय इन पैसों से लोगों की माली मुआवनत की जा सकती है उन पैसों से? इस सिलसिले में अहले इल्म ने मुतअद्दद आरा बयान की हैं, अहले इल्म में से ज़ाहरा के उलमा इकराम जो के इस मैदान में दावत इरशाद के मैदान में काम कर रहे हैं वो अलग अलग उलमा अपनी अपनी राय रखते हैं। उनमें से बाज़ उलमा ने कहा कि बल्कि अक्सर ने कहा, जमहूर अहले इल्म ने कहा कि कुर्बानी सुन्नत मौकदा है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और उनके जो मानने वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, कुर्बानी वाजिब है, यानी सुन्नत मौकदा से भी ऊपर एक दर्जा उन्होंने बनाया है, फ़र्ज से नीचे सुन्नत मौकदा के ऊपर एक दर्जा है जिसको वाजिब कहते हैं, जबकि बाकी तीनों आइमा और उनके मानने वालों के नज़दीक फ़र्ज और वाजिब दोनों एक ही चीज़ होती है। फ़र्ज कह लें वाजिब कह लें माना एक ही है। तो वो बहरहाल ये फुकहा का अपना एक नज़री मामला है। जहाँ तक कुर्बानी के बारे में है कि ये सुन्नत मौकदा है, वाजिब है, कुछ भी कह लें, हर दीन में, सिर्फ इस्लाम में नहीं, हर दीन में नमाज और कुर्बानी ये दो चीज़ें हैं किसी न किसी रंग में, और इन दो चीज़ों का बदल कोई नहीं है, यानी इनका कहें कि बदल कोई दूसरा काम कर लें कोई नहीं। और इस कुर्बानी की शरी हसीयत को कम करने के लिए एक टोला बड़े अरसे से सरगर्दा है, काम कर रहा है, सरगर्म अमल है, और वो हैं परवेजी मुनकरीन हदीस, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से इनकार, हदीस कुछ लोग जो हैं वो मुनकरीन हदीस हैं, कुछ लोग मुनकरीन हदीस तक नहीं पहुंचे लेकिन उनके लिए खाम माल मुहैया करते हैं। उन खाम माल मुहैया करने वालों के पाकिस्तान में कई नाम हैं, इधर उधर कई नाम हैं, हुकूमत कुवैत ने, बाकायदा हुकूमत ने सरकारी सतह पर इनको काफर करार दिया है,
कि ये मुनकरीन हदीस काफिर हैं, उनका ये बड़ा चारा है, बड़ी कोशिश है कि होम टू होम सेक्रीफाइस, घर घर कुर्बानी। ये क्या हुआ, गरीब भूखे मर रहे हैं, लोगों की बेटियां घर में बैठी हुई हैं, उनके निकाह करवाओ, ये तुम जानवरों पर नाउजबिला कहता है जुल्म करते हो। अब जब इनके बेटे की शादी आ जाए तो उस पे ये 50-50 बकरे लुटा दें, अगर लोग चाहें कि नहीं जी हम चिकन खाएंगे, हजारों चिकन ज़िबा हो जाएं, कोई जुल्म नहीं। अल्लाह की राह में अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक एक अमल किया जाए तो वो जुल्म है। ये दोगली पॉलिसी पता नहीं ये कहाँ से ये लोग ले आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया है फसल लिरब्बिका वन्हर, नमाज पढ़ो अपने रब के लिए और कुर्बानी करो। यहाँ नहर का माना कुर्बानी मारूफ है। इसी तरह कुरान करीम के दीगर मकाम पर भी अल्लाह ने कुर्बानी का जिक्र किया है नमाज के साथ, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महया या व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज मेरी कुर्बानी। नुसुक माना कुर्बानी, नमाज के साथ इसका जिक्र, इतनी इसकी अहमियत है। अब मसला आ गया कि कभी कभी कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं कि गरीब है, भूखा मर रहा है, मरीज है, बीमार है, अगर उसका मदद उसका तावन नहीं करेंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे तो मर जाएगा। ये ऐसी सूरतें हैं जिन सूरतों में शेख इस्लाम इब्ने तैमिया ने कहा कि कुर्बानी देना अफजल है, इल्ला ये कि कोई इंतहाई कसम पुरसी में मोहताज आ जाए तो उसको दे दो। शेख इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि कुर्बानी देना अफजल है, लेकिन अगर कोई मकरूज है और तुम्हारा रिश्तेदार है और उसके पास कर्जा उतारने की कोई शक्ल नहीं तो उसको दे दो। इसी तरह लजना दायमा सऊदी अरब की जो फतवा कमेटी है उसने कहा है कि कुर्बानी अव्वल है, कुर्बानी अफजल है, इल्ला ये कि कहीं कोई ऐसी शक्ल बन जाए कि दो चीज़ें सामने आ गई हैं, बेक वक्त एक ऐसा मरीज आ गया है कि अगर उसकी मदद नहीं करेंगे तो मर जाएगा, दूसरा उसकी मदद करने वाला कोई है नहीं, ना रिश्तेदारों में ना बाहर से, अब कुर्बानी का पैसा इसको दे दो। अब ये शक्ल आप देख सकते हैं कि ये अगर कहीं ऐसा है कि आदमी मर जाएगा अगर मैंने अपनी कुर्बानी वाला पैसा इस पर खर्च ना किया, तो ऐसी शक्ल में कुर्बानी का पैसा उसको दे दें, उसका इलाज करवा दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आम फकरा मसाकीन हैं जैसे कि आम होते हैं, तो ये तो ज़ाहिर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मौजूद थे, उस ज़माने में मौजूद थे, इसके बावजूद कुर्बानी होती थी, और कुर्बानी इस्लाम के शआयर में से एक शआर है, इसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, इस सुन्नत को कायम रखना, खून बहाना, ये एक ऐसा अमल है कि इसका मुकाबला दूसरा कोई अमल नहीं कर सकता। नफल हज करना है, लेकिन एक तरफ एक आदमी है वो बहुत मोहताज है, अब नफल हज को छोड़ दें, उस मोहताज की हाजत पूरी करें। इसी तरह उमरा है, लोग नफल हज किए चले जा रहे होते हैं और साथ में पड़ोसी मर रहे होते हैं भूखे, उन लोगों को चाहिए कि वो वहाँ खर्च करें, लेकिन कुर्बानी को, कुर्बानी के शियार को अदा करना ही अवला है, इल्ला ये कि किसी की जान पे बन जाए और आपके पास दूसरा कोई पैसा नहीं सिवाय कुर्बानी वाले पैसे के, तो फिर आप ये पैसा उस पर खर्च कर दें। यहाँ मैं एक मुख्तसर सी बात कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ शादियाँ करवाएंगे तो ज़कात के पैसे से, अगर किसी की कोई मुश्किल आ गई तो ज़कात के पैसे से, और बच्चों के स्कूलों की फीसें किसी की दिलाएंगे तो ज़कात के पैसे से, जबकि हमारे पाक व हिंद में जो शादियाँ होती हैं आप समझ सकते हैं कि उनमें 80% कम अज़ कम नाजायज़ ख़र्चा होता है, जहेज की कोई हैसियत नहीं इस्लाम में। अब खर्चा शादी में कितना होता है, या जहेज का या बारात का, तीसरे नंबर पर मेहंदी का, तीनों का इस्लाम में कोई तसव्वुर तक नहीं है। आप पैसे दे के अपने ज़कात का पैसा बर्बाद करेंगे कि इस शादी में आपने दे दिया, बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, उसे तालीम इस्लामी दी नहीं जा रही, आप उसकी फीस ज़कात के पैसे दे। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात का जिक्र किया
और बकसरत मकामात पर अल्लाह ने इन्फाक फी सबीलिल्लाह का जिक्र किया है। और माल में सिर्फ ये नहीं कि ज़कात, बल्कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह के जरिए अल्लाह की राह में माल खर्च करो। और साथ ही फरमाया हक्कुन लिस्साइल वल महरूम, कुरान करीम में ये बात मौजूद है कि तुम्हारे माल में साइल का और महरूम का भी हक है, हिस्सा है, वो हम अदा नहीं करते। हर चीज़ जो है वो या कुर्बानी के पैसे से करेंगे या फिर हम ज़कात के पैसे से करेंगे, बाकी पैसा जो है उसमें जो अल्लाह ने हकूक हमारे फ़राज बयान किए हैं वो कौन अदा करेंगे। जी एक सवाल आया चैट बॉक्स में, क्या मैयत के ऊपर 3 बार मट्टी डालते हुए दुआ पढ़ी जाती है वो सही हदीस से साबित है? मैयत को दफन करने के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है, कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? एक मट्टी डालते हुए गालबन आयत पढ़ते हैं, मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बाज़ मुतकल्लम फी रिवायत में इसका जिक्र आया है। और दुआ कोई पढ़ी जाती है, वो मेरे इल्म में नहीं है, और अगर मेरे इल्म में होती, सामने आती, तो फिर पता चलता कि उसके बारे में क्या है। और सवाल है शेख साहब चैट बॉक्स में, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वो दिन में एक मर्तबा इस दुनिया में उतरता है, वो कौन सा वक्त है? वो दिन में नहीं, वो रात में है, यानी 24 घंटे में आप कर लें दिन अगर करना है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रात के आखिरी पहर में, सुलुसिल लैल अल अखीर, रात का आखिरी एक तिहाई, 1/3 उसमें, यानी सहरी के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान से अपने अर्श से आसमानी दुनिया पे नाजल होता है। अब यहाँ मसला है कि वो कैसे नाजल होता है, हमें तो ये नहीं मालूम कि वो अपने अर्श पर कैसे है। सुमस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अपने अर्श पर मुस्तवी है, कैसे मुस्तवी है ये तो बड़ा मारूफ मसला है ना, हम नहीं जानते कैफियत, हम नहीं जानते। अल इस्तवा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाया अल इस्तवा मालूम वल कैफ मजहूल, इस्तवा तो मालूम है कि मुस्तवी है, लेकिन कैफियत क्या है मजहूल है, ना मालूम है। वल ईमानो बही वाजिब, उस पर ईमान रखना कि वो अपने अर्श पर मुस्तवी है, ये वाजिब है। वस्वाल वन हो बिदा, वो कहते हैं कि इसके बारे में सवाल करना कि अल्लाह कैसे मुस्तवी है, ये बिदत है, ये नाजायज। अल्लाह नजूल फरमाता है, एक नजूल है अल्लाह रब्बुल इज्जत का सालाना नजूल, और वो नजूल है यौम अरफा। अब वो करीब आ गया, अभी 9 ज़ुलहज को जो यौम अरफा है, उस दिन अल्लाह दिन के वक्त आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है और फरिश्तों को भी इकट्ठे करके कहता है कि देखो ये लोग आए हैं, जाउनी शौसन गुबरा, ये देखो किस तरह आए हैं, परागंदा हाल हैं, गर्दोगबार से अटे हुए हैं, ये क्या लेने आए हैं। फरिश्तों से पूछता है जबकि वो जानता है कि ये क्या लेने आए, और फिर साथ खुद ही कहता है कि तुम सारे गवाह हो जाओ, मैंने इन तमाम हुज्जाज को बख्श दिया। एक दिन वो है दिन, लेकिन वो रोज नहीं, वो सालाना है यौम अरफा। और रोजाना रात को, रात के सुलुसुल अखीर, एक तिहाई आखिरी हिस्सा, तहज्जुद के वक्त या सहरी के वक्त कह लें, क्योंकि सहरी का वक्त ज्यादा है, सहरी के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानी दुनिया पर नाज़िल होता है। कोई है जो मुझसे मांगे मैं उसकी हाजत पूरी करूं, कोई है जो मुझसे सवाल करे मैं उसको दूं, कोई है जो मुझसे मगफरत तलब करे मैं उसे बख्शूं, ये है वो दिन, ये है वो रात। तो शेख साहब, अगर बंदा मोहब्बत या अकीदत में ये कहे कि अल्लाह हर